वादी कश्मीर में सदियों से ऋषि, मुनि, सूफी और संत बसते आए हैं। कश्मीर की सरजमीन कभी भी रूहानी पेशवाओं और आलिमों से खाली नहीं रही। कश्मीर का हुस्न और कुदरती मनाजिर रूहानियत के रास्ते में खुदा की तलाश और जुस्तजू करने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। शायद यही वजह है जो कश्मीर मुख्तलिफ मजाहिब की जमीन रही है। एक जमाने में वादी कश्मीर बुद्ध धर्म का मरकज रहा, शिव भक्ति का मरकज रहा और फिर इस्लाम का। 14वीं सदी की शुरू में बुलबुल शाह और मीर सैयद अली शाह हमदान जैसे बाकमाल बुजुर्ग सेंट्रल एशिया से कश्मीर आए। इन सूफियों ने कश्मीर में इस्लाम की तालीमात को फैलाया। इस दौर के बाद 14वीं सदी के आखिर में सिलसिला ऋषियान कश्मीरियों का अपना सूफी सिलसिला वादी में परवान चढ़ा। शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी कश्मीर की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही एक बुजुर्ग थे जिन्होंने ऋषि सिलसिले का आगाज किया। शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी को अलमदार कश्मीर और नुंद ऋषि भी कहते हैं। नुंद ऋषि का आस्ताना चरार शरीफ में है। नुंद ऋषि ने अवाम में मोहब्बत, अमन और इंसान दोस्ती का पैगाम फैलाया। गरीबों की मदद करने के लिए कहा। फिरका परस्ती और पिछड़े हुए लोगों के साथ होते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। किसानों और मजदूरों को इज्जत दी। हिंदू और मुसलमान को भाई भाई बताया। उनको एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहने का सबक दिया। आज भी नुंद ऋषि का आस्ताना वादी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इतिहाद की एक पहचान है। नुंद ऋषि के आस्ताने पर समाज के हर तबके से और हर मजहब के लोगों का हुजूम रहता है। शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के कई रूहानी वारिस हैं। 15वीं सदी से 17वीं सदी तक यानी ये 300 साल का जमाना ऋषियों के उरूज का दौर था। हजारों की तादाद में सिलसिला ऋषियान के बुजुर्ग कश्मीर वादी में चारों तरफ फैल गए। मुगल बादशाह जहांगीर के जमाने में 2000 से ज्यादा ऋषि थे। जहांगीर बजाते खुद ऋषि बुजुर्गों से बहुत मुतासिर रहे। जहांगीर लिखते हैं, समाज में सबसे ज्यादा इज्जत ऋषियों की है। ऋषि सूफी सादगी और अमन पसंद हैं। अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साधु संतों की तरह ये ऋषि गोश्त से परहेज करते हैं। जंगलात की जड़ी बूटियां और फल खाते हैं। ऋषि बुजुर्ग अक्सर शादी नहीं करते, पहाड़ों की तन्हाई में इबादत करते हैं। ऋषियों की तारीफ करते हुए जहांगीर ने आगे लिखा है, ऋषि सिलसिले के बुजुर्गों का इखलाक और किरदार अवाम के लिए नमूनाए अमल है। कश्मीर वादी का ऋषि सिलसिला हिंदू, बुद्ध और इस्लामी रूहानी रिवायात का खूबसूरत संगम है।
कश्मीर के पहाड़ों के बीच गुलमर्ग है, जिसको फूलों की वादी कहते हैं। गुलमर्ग से चंद किलोमीटर पहले टंगमग में हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि की दरगाह शरीफ है। लगता है यहाँ के पहाड़ अल्लाह के जिक्र से गूंज रहे हैं। लोग दूर दराज से बाबा ऋषि की जियारत के लिए आते हैं और माना जाता है कि बाबा ऋषि किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। बाबा पयामुद्दीन ऋषि का ताल्लुक कश्मीर वादी में गंदरबल के पास चतुरगुल गांव के एक रईस और सियासी घराने से था। उनके वालिद चंदर गांव में रहने लगे, जहां बाबा ऋषि की पैदाइश हुई। बाबा ऋषि अपनी जवानी में, यानी 15वीं सदी के शुरू में, मकामी हुकूमत में गवर्नर के ओहदे पर फायज हुए। एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बाबा ऋषि की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी दुनिया बदल गई। एक दिन कहीं जा रहे थे, खादिम साथ में था, घोड़े पर उतरे, एक जगह थोड़ा बैठ गए। वहाँ का एक काफिला देखा, चूंटी का एक काफिला देखा चल रहे हैं। यहाँ से जाते दाना लेके वहाँ से खाली आते हैं। खादिम को बोला, ये क्या कर रहे हैं? बोला, ये तो अभी विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम आने, उनके लिए ये जमा करके रखते हैं। तो बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बोला, ये तो एक बेशूर जानवर है, इनका आने वाला वक्त का फिक्र तो है, लेकिन हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाना है, इसका हमें फिक्र नहीं है। वहाँ से आने के बाद बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह सब ने रिजाइन कर दिया, वो ओहदा छोड़ दिया। बाबा पयामुद्दीन ऋषि ने इन चींटियों से सबक लिया और दुनिया के ऐश और आराम को छोड़कर खुदा की तलाश में निकल गए। बाबा ऋषि शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी नुंद ऋषि के खलीफा और रूहानी जानशीन हजरत सखी जैनुद्दीन ऋषि के मुरीद हो गए। एक लंबे अरसे तक बाबा पयामुद्दीन ऋषि हजरत सखी जैनुद्दीन की खिदमत में रहे। हजरत सखी जैनुद्दीन की तालीम और तरबियत में बाबा ऋषि ने रूहानी मंजिलें तय की और एक बुलंद मकाम हासिल किया। हजरत सखी जैनुद्दीन की सोहबत में एक अरसा गुजारने के बाद बाबा पयामुद्दीन ऋषि बाबा शुक्रुद्दीन की खिदमत में रहे। बाबा शुक्रुद्दीन हजरत सखी जैनुद्दीन के खलीफा हैं, यानी बाबा ऋषि के पीर भाई। बाबा शुक्रुद्दीन का आस्ताना सोपुर में बुलर झील के करीब एक पहाड़ी के ऊपर है। बाबा शुक्रुद्दीन की दरगाह एक निहायत पुरसुकून जगह है। बाबा शुक्रुद्दीन बाबा पयामुद्दीन ऋषि के रूहानी दर्जात से बहुत खुश होते थे। एक दिन बाबा शुक्रुद्दीन ने बाबा ऋषि से फरमाया, आपका मकाम बहुत ऊंचा है। ये फरमाकर बाबा शुक्रुद्दीन ने एक तीर से निशाना लगाया। कहते हैं, सोपुर से ये कमान से निकला हुआ तीर रनबू इलाके में जा गिरा, यानी टनमर्ग में, जहां बाबा ऋषि ने अपनी खानकाह बनाई। बाबा ऋषि टनमग में रहने लगे और अपनी बाकी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी। बाबा शुक्रुद्दीन ने बाबा ऋषि से कहा, आपके पास लोगों का हुजूम रहेगा, आपके पास सब आएंगे, हमारे पास कोई कोई आएगा। बाबा पयामुद्दीन ऋषि की दरगाह शरीफ टनमग की पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत पगोड़ा नुमा इमारत है। दरगाह शरीफ के अंदर लकड़ी की नक्काशी के सतून हैं। बाबा पयामुद्दीन ऋषि साहिब
बाबा ऋषि के आस्ताने पर आने वाले रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। यहाँ बैठकर बाबा ऋषि को याद करने में फैजान और बरकात की बारिश महसूस होती है। बाबा ऋषि की दरगाह पर दूर दूर से उनके चाहने वाले आते हैं, अपनी मुरादें और मन्नत के धागे बांधते हैं। बाबा ऋषि के वसीले से और अल्लाह के हुक्म से यहाँ आने वालों की मुरादें पूरी होती हैं। या तो कश्मीर को अगर हम रिश्वत, पीरों की, वलियों की और कलंदरों की सरजमीन है, विरासत तो वहीं से आती है, अपने बुज़ुर्गों से, अपने असलाफ से, जो कुछ भी ललदत में था मिस्टिक के हिसाब से, तो वो उन्होंने शेख नुरुद्दीन के नुंद्रिशि को दे दिया और वहाँ से पूरे कश्मीर में आ गया। हमारा कहीं कोई सम्मेलन नहीं होता है, हमारे जो हम समंदबल जिसे कहते हैं, जहाँ हम मिलते हैं, बात करते हैं, वो यही दरगाह हैं। तो यहीं से हमारे लिए फैज़ की जो इनके फैज़ान की जो बरकतें हैं, और अगर हम अभी तक जिंदा हैं तो वो तो इन्हीं की वजह से। लगयज चैनिस नावस करीबान बाबा ऋषि चिनामावार कसा बादत करो हास्ताई कोई तूर सिख त्योरो दुन गमई तई तई फसल। बाबा ऋषि की दरगाह पर बे औलाद अक्सर यहाँ औलाद की दुआ मांगने आते हैं। कहते हैं बाबा ऋषि के जमाने में कश्मीरी राजा था, उसके यहाँ औलाद नहीं थी। किसी ने राजा को बाबा ऋषि के बारे में बताया। राजा अपनी रानी के साथ बाबा ऋषि से मिलने आया और उनसे बेटे के लिए दुआ की दरख्वास्त की। बाबा ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि उनकी खानकाह में एक मिट्टी का चूल्हा है। रानी को इस चूल्हे की लिपाई करने के लिए कहा। रानी ने ऐसा ही किया। बाबा ऋषि की दुआ और अल्लाह के हुक्म से राजा के घर बेटा पैदा हो गया। उस वक्त से आज तक जिन औरतों के यहाँ बच्चे नहीं होते, वो बाबा ऋषि के आस्ताने पर हाजिर होकर इस मिट्टी के चूल्हे की लिपाई करती हैं। कहते हैं उनकी मुराद पूरी हो जाती है। राजा के यहां जब बेटा पैदा हो गया तो बाबा ऋषि ने राजा से कहा कि बच्चे का मुंडन उनकी खानकाह में ही किया जाए। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। उस वक्त से बाबा ऋषि के चाहने वाले अपने बच्चों का अकीका यानी उनके सर के पहले बाल उतारने की रस्म यहाँ दरगाह पर करते हैं। फिर वो बहुत खुश हो गया, बूढ़ेपन में उसका बेटा हो गया। उसके बाद उस महाराज ने बोला बाबा को, मैं आपको क्या दे दूँ। बाबा ने बोला मैंने अपने सब विरासत छोड़ दिया, मुझे क्या करना है, मुझे एक अल्लाह चाहिए, तो वो तो मैं मिल गया, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, फिर भी आपका जो ये लंगर यहाँ चल रहा है, इसके लिए मैं आपका कुछ ज़मीन दे दूँ। ये एक किलोमीटर चारों तरफ जिसमें जंगल है, वो खेती बाड़ी का वाला ज़मीन भी है, ये बाबा का मिल्कियत है, गवर्नमेंट इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये तो बाबा का मिल्कियत है। तब से आज तक ये लंगर भी चालू है, और ये जिसका बच्चा नहीं है वो आते हैं, बगैर मजहब मिलत यहाँ आते हैं लोग, और अल्लाह ताला सब का मुराद पूरे करते हैं। बाबा ऋषि के ज़माने से उनके आस्ताने पर लंगर जारी है। यहाँ रोज़ लंगर पकता है। बाबा ऋषि के यहाँ आने वाले जायरीन और मुसाफिर लंगर में शरीक होते हैं। सिलसिला ऋषियान के बुजुर्ग
मुसाफिरों के खाने पीने और रहने का खास ख्याल रखते थे। यही वजह है जो आज सदियों बाद ऋषियों के आस्थानों पर लंगर का खास एहतमाम होता है। यहाँ से कोई भूखा प्यासा नहीं लौटता। और जो कोई आएगा, चाहे किसी भी कोई भी मन्नत है, तो सबों की मन्नत पूरी हो जाती है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो मुसलमान है, कोई भी। क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा दूर से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन खाली कोई नहीं गया आज तक। बाबा ऋषि ने सन 1472 ईस्वी में इस दुनिया से पर्दा फरमाया। सिलसिला ऋषियान के बुजुर्गों ने सही मानों में कश्मीर में इस्लाम की तर्जुमानी की। कश्मीरी जुबान, तहजीब और सकाफत को उरूज पर पहुंचाया। ऋषि सूफी कश्मीर विरासत का अनमोल और अटूट हिस्सा हैं। उनका अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आज भी लोगों के लिए एक रोशन शमा है। अब ये एक सिलसिला ऋषियों का स्टार्ट हुआ, तो जो इनके खलीफे थे ना, बाबा बामदीन, बाबा प्यामदीन, इधर तमाम पहाड़ियों पर जितने भी ये बाबा ऋषि, जैसे आप गुलमर्ग में जाते हैं तो ये इनके खलीफे हुए। डिप्टी साहब शेख नूरदीन वली, ये अपने डिप्टीज इन्होंने भेजे इंसानियत की तालीम देने के लिए, वैधानियत की तालीम देने के लिए, और ये खुदा का एक मानने के लिए, ये तफरके दूर करने के लिए इन्होंने अपने मरीद मुख्तलिफ जगह पर भेजे। जो वो इन तमाम चोटियों पर जो बुज़ुर्ग हैं, वो इसी सिलसिले के ही नायब हैं, इनके नायब हैं। तो यहाँ की ट्रेडिशन रही है कि मसान हिंद तो मुसलमान, जो ललदेद ने कहा, दैसी कारसान, अगर आपको खुदा को पहचानना है, मसान हिंद तो मुसलमान, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात मत करो अगर खुदा को पहचानना है। ये तो यहाँ की ट्रेडिशन है, यहाँ का वो क्या कहते हैं कल्चर है, यहाँ की तालीम है। कश्मीर नॉन वायलेंट रहा है। कई लोग अपने नाम के साथ अभी भी कहते हैं, ऋषि का यूज़ करते हैं, वो तो यहाँ के रग रग में है। वो तो इट्स मिक्स विद आवर ब्लड। नंद ऋषि ने तारीख स्टार्ट की पौधे लगाने की। उन्होंने कहा हर जगह पौधे लगने चाहिए, और जहाँ तक कहा कि फॉरेस्ट उनका है कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करो, पौधों की हिफाजत करो। वादिय कश्मीर की माहौलियात और जंगलात की हिफाजत में ऋषि सूफियों की खास खिदमत है। कहते हैं बाबा ऋषि ने अपने हाथों से हजारों पेड़ पौधे लगाए, अपने मानने वालों को भी पेड़ लगाने का हुक्म दिया। ऋषियों ने कश्मीर को हमेशा हरा भरा रखा, जिसकी वजह से आज भी कश्मीर को रूए जमीन पर जन्नत कहा जाता है। अपनी इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम से ऋषि सिलसिले के बुजुर्गों ने यहाँ के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। मुझे जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आता है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।